जय बाबारी, जय बाबारी। आपने सब ने मुझे यहाँ मौका दिया, कोई मूर्ति नहीं या पैसा भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, मौका मिले वो बहुत बड़ी बात होती। तो मुझे ये मौका दिया कि मूर्ति ये जो मंदिर है, ये जो मेरे पितरों ने बनाया हुआ, जैसे सब फरमाए और सबने कहा मूर्ति की बात मेरे पास रखी, तो मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी हो ये मंदिर, ये सब यहाँ सब आपकी जिम्मेदारी होगी, साफ सफाई पूजा अर्चना आप सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहले तो सम्मानित मंच से विराजमान धनराज जी, प्रिंसिपल साहब, श्री शरदचंद चौहान जी, श्री नेमी जी, सुवालाल राम जी, रामकरण जी अध्यक्ष साहब, अभिषेक जी महासचिव, नंदलाल जी कोऑर्डिनेटर, हरिनारायण जी, हेमराज जी, नरसिंह जी, एडीएम साहब बलदेव जी, पार्षद इंदू जी, मारेराम जी और विराजमान सभी सम्मानित मंच को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बधाई। मेरे सामने विराजमान सभी महिलाएं, बहनें, भाई, बच्चे, तहे दिल से बहुत बहुत प्रेम। ये मौका जो आज मुझे दिया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं एक मंदिर तक सीमित नहीं रहना चाहती, कभी भी किसी भी चीज में आपको मेरी आवश्यकता हो, कोई जरूरत हो, कुछ भी हो, बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कह सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ। भाषण या कोई मंच है बिल्कुल नहीं, मंदिर का मंच है ऐसी कोई बात नहीं होगी, पर मैं आपको कहना चाहती हूँ इस मंच के द्वारा कि कभी भी किसी समय आपको किसी चीज की जरूरत है या कोई चीज चाहिए तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, मैं आपकी खड़ी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ। और ये जो ये युवा खड़े हैं तो छोटे छोटे शेर हैं, इनको तो आप काम दीजिए, ये देखिए आप क्या करते हैं, इनको बहुत सारा काम देने वाली हूँ मैं, इन युवाओं को और ये महिला तो बैठी है, सबको भी बहुत सारा काम देने वाली हूँ। कैसे हम सब एकजुट होके इस पूरे समाज में कैसे हम आगे कर सकते हैं, एकजुट बैठ के काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें एकता की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने यहाँ बुलाया, मान दिया।